नमस्कार, मैं हूं दिशा सेठी और आप देख रहे हैं पब्लिक दिलासा का खास बुलेटिन। जहरीली शराब पीने से मरने वालों के परिवारों से मुलाकात करने गांव मुच्छल पहुंचे सीएम अमरिंदर सिंह। पीड़ित परिवारों को 5 लाख मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को पेंशन देने का किया ऐलान। जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में कैप्टन के ऐलान के तरीके का अकाली दल ने किया विरोध। कहा, कैप्टन को वास्तव में कोई दुख नहीं, वे केवल इस घटना पर लीपापोती करने आए हैं। राजभवन घेरने के प्रयास में मजीठिया हिरासत में, अकाली दल सदस्य प्रतिदिन 2 घंटे करेंगे प्रदर्शन। जहरीली शराब से हुई मौतों के विरोध में किया प्रदर्शन, गौतम अरोड़ा व हनी ने घेरा सिद्धू निवास। फौजी महेंद्र सिंह भट्टी पश्चिम बंगाल में हुए शहीद, पत्नी सुखराज कौर ने शहादत पर किया गर्व। मुर्मू बने देश के नए कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, कल दिया था उपराज्यपाल पद से इस्तीफा। और देश भर में मल्टीपर्पज वर्कर्स की हड़ताल, मल्टीपर्पज वर्कर्स करेंगे सीएम आवास का घेराव। सावन स्वरूप चोरी होने के रोष में धरना, पटियाला में सुखबीर बादल के नेतृत्व में हुआ ये धरना। फगवाड़ा में कुएं में गिरे 2 युवक, हालत गंभीर होने पर किया जालंधर रेफर। श्री माँ वैष्णो देवी की यात्रा 16 अगस्त से शुरू होगी, कोरोना के चलते 19 मार्च को बंद की गई थी यात्रा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के मुताबिक, कहा पीएम मोदी ने इसमें नई सोच विकसित करने की जरूरत। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती पर केस, आज ईडी के सामने हुई पेशी। अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध, चीन से चलते तनाव की वजह से लगा ये प्रतिबंध। जहरीली शराब मामले में पुलिस ने की 4 अन्य से पूछताछ, 248 ड्रम मेथनॉल बरामद। रैपर बादशाह की मुश्किल बढ़ी, फर्जी फॉलोअर्स मामले में पुलिस करेगी बादशाह से पूछताछ। सांसद बाजवा बटाला शराब कांड के पीड़ितों से मिले, सरकार पर फिर से साधा निशाना। खबरों का ये बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पब्लिक दिलासा चैनल। नमस्कार।